नमस्कार, आप देख रही हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अवैध रेत खनन के मामले में ईडी ने चन्नी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। चन्नी पर अवैध रेत खनन और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से करोड़ों रुपए की कमाई करने का आरोप है। 16 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ईडी के सामने पेश होना है। चन्नी का भांजा भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी 20 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हनी समय कपूरथला जेल में बंद है। अवैध खनन केस में ईडी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे और उसके सहयोगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने हनी को 3 और 4 फरवरी की दरमियान रात को गिरफ्तार किया था। भूपेंद्र सिंह हनी और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। इससे पहले 18-19 जनवरी को ईडी की छापेमारी में हनी के घर से करीब 7.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। हनी के सहयोगी संदीप कुमार के ठिकानों से 2 करोड़ रुपए मिले थे। 2018 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उस समय अवैध खनन का मामला सामने आया था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में मुख्य आरोपी कुदरतदीप सिंह ने 2 निदेशकों संदीप सिंह और भूपेंद्र सिंह के साथ नई कंपनियां बनाई थी। पूछताछ के बाद ईडी के हाथ भूपेंद्र हनी तक पहुंचे और 18 जनवरी को ईडी ने हनी के चंडीगढ़, लुधियाना, माहौली और फतेहगढ़ के 10 अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी को इनके ठिकानों से 10.7 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।